23 तारीख को भारत बंद था और उस दिन जगह जगह छोटी छोटी घटनाएं हुई थी। शाम को थोड़ी उस तरह की पत्थरबाजी हमारी इस रोड पे भी हुई थी जो मजार से लेके सैयदपुर चौक की तरफ रोड जाता है, और लेकिन उसको पुलिस ने वक्त रहते कंट्रोल कर लिया था। 24 तारीख की सुबह दिन में जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी गलियों के बाहर खड़े हुए थे। हमारे लोकल थाने की पुलिस थी जिसमें हमारे SHO पवन कुमार जी थे और ACP साहब थे, उनके साथ बहुत सारे पुलिस सिपाही मौजूद थे। उनके साथ मिलके मैं और हमारे बहुत सारे हिंदू समाज के भी लोग थे, सब लोगों को समझा रहे थे, सबको शांति अपील दे रहे थे, सबको घरों में वापस भेज रहे थे और उसमें हम लोग कामयाब भी हो गए थे। लेकिन अचानक 2 बजे के आसपास फिर दोबारा से वहाँ पे छुटपुट घटनाएं होने लगी, जो बाहर भजनपुरा पेट्रोल पंप की एक घटना हुई थी और उसी को देखते देखते वहाँ पे लोग फिर दोबारा इकट्ठे हो गए, आपस में पत्थरबाजी करने लगे। ये बात देख करके मैं अपने घर में मौजूद था, ऊपर छत पे था, खाना खाने के लिए गया हुआ था, तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि हमारे एक मोटरसाइकिल खड़ी है उसमें आग लगा दी गई है, तुरंत मैंने जो हमारा स्टाफ वहाँ था उनको बोला कि आप फटाफट सब दरवाजे बंद कर दो, गेट बंद कर दो, कुछ भी हो जाए गेट नहीं खोलना है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे गेट को पीटने की आवाज़ आने लगी और गेट खुलवाने की कोशिश की गई, क्योंकि सामने की तरफ से भी बहुत सारे लोग छतों पर चढ़े हुए थे जो नीचे की तरफ पत्थर फेंक रहे थे। एक तरफ जहाँ चांदबाग की पुलिया उस तरफ भी काफ़ी लोग इकट्ठे थे जो इस तरफ आगे तक बढ़ रहे थे, लेकिन जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला उन लोगों ने हमारा गेट तोड़ के और वो काफ़ी छत के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि मेरा जो अगला आगे का मकान बना हुआ है वो मतलब कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं है, सिर्फ उसमें छतें और दीवारें हैं, कोई लॉक या कहीं पर दरवाजा चौखट नहीं है। मैंने उसके बाद लगातार वहाँ से पुलिस से संपर्क किया, 100 नंबर पर कई मरतबा फ़ोन किया, जिससे भी मदद मांग सकता था मैंने सभी को फ़ोन किए। बहुत सारे लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आए, यहाँ तक कि मेरे पास आज तक से सुशांत का फ़ोन आया था, उसने पूछा आपके यहाँ इस तरह की पत्थरबाजी हो रही है, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा भाई इस वक्त आप सबसे पहले यहाँ फोर्स भेजिए, क्योंकि यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं और मेरे पूरे रोड पे बाहर जो चौथ धुआं आ रहा था, आग लगने की जो लपटें थी वो नज़र आ रही थी। उसने मुझसे कहा आप 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए, मैंने 1 मिनट का वीडियो बना के उनको भेजा और उसके बाद मैं लगातार वहाँ पर जो है लोगों से मदद मांगते, लेकिन वहाँ पुलिस नहीं आई। पुलिस को कई मरतबा फ़ोन किए, लगभग 7:30 बजे के आसपास वहाँ पुलिस फोर्स पहुँची और वहाँ पर फिर थोड़ी सी शांति हुई। जब वहाँ से आधा घंटे बाद जो है मुझे लगा, मुझे बुलाया नीचे से आवाज़, फ़ोन किया किसने, भैया नीचे आ जाओ पुलिस फोर्स आ चुकी है, मैं शांति है सब। आधा घंटा शांति देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ सब शांत है, तब मैं नीचे गया, जाके देखा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे जो दोनों तरफ से नारेबाजी कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे, होटिंग कर रहे थे, पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे लगा कि जो मेरे घर में फैमिली है, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे वालिद और मेरी मम्मी सब वहीं थी उस टाइम पे, उन सबको मैंने नीचे बुलाया, उन सबसे कहा कि आप यहाँ से अपना जो है यहाँ से निकलिए, कि हम लोग यहाँ अब नहीं रह पाएंगे। हालांकि उसमें मेरी बीवी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल से वो दोबारा आ जाएंगे, आज रात हम कहीं और सो जाएंगे, हमारे अंदर वाली साहब का घर है वहाँ चलते हैं। उन सबको मैंने वहाँ से निकाल दिया और उनको आगे गली में छोड़ के मैं वापस वहीं अपने मौके पर पहुँच गया और वहाँ पुलिस के साथ मिलकर जो है लोगों को हम शांति करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 11 बजे के आसपास जो है वहाँ पे जो मेरे बहुत ही सीनियर अफसर हैं मिस्टर AK सिंगला साहब, उनके साथ जॉइंट CP थे मिस्टर आलोक कुमार जी, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने जो है मुझे आश्वासन दिया का फिक्र मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब ठीक रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब तक ये आपके घर की तलाशी ली जाएगी ये लोग शांत नहीं होंगे। मगर सर मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल इनको बुला लीजिए, इनको साथ में लेकर तलाशी कीजिए। उन्होंने वहाँ से 5-7 लोगों को बुलाया और उनके साथ पुलिस के लोग मिलकर पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, सब जगह की पूरी तलाशी ली गई। जो मेरा फ्लैट था जहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं उसकी चाबी मेरी वाइफ लेके जा चुकी थी, वो चाबी वापस मंगाई, उस फ्लैट की पूरी कमरे की तलाशी दी और उसके बाद में वहाँ से सीनियर अफसर चले गए। वहाँ पे मौजूद जो पुलिस के जवान थे उनके साथ जो उनको लीड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर मिस्टर सुचंद्र जी, वो वहाँ मौजूद रहे और लगभग 2:30-3 बजे तक वहाँ पे कोई भी मसला नहीं हुआ, सब शांति रहा। लेकिन 3 बजे के आसपास धीरे धीरे वहाँ से जो है फोर्स कम होने लगी और जैसे मुझे जानकारी लगी तो मैंने तुरंत जो है सुचंद्र जी को फ़ोन किया, उनसे कहा भाई साहब यहाँ पर फोर्स मत आओ, फोर्स जो है रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग जो है मेरा मकान बीच में है और दोनों तरफ के लोगों की नज़र में मेरी बिल्डिंग टारगेट पर है, कोई भी इंसान मेरी बिल्डिंग का नज़र फटा उठा सकता है। उन्होंने कहा आप चिंता न करो, वहाँ पर पैरामीटर फोर्स है जो आगे की तरफ बैठी हुई है, फिर भी आपको लगता है तो आप जो है एक बार लोकल थाने में बात कर लीजिए, क्योंकि जॉइंट CP साहब इसकी जिम्मेदारी थाने वालों को देखे गए हैं। मैंने तुरंत जो है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो ये बस है ये आ चुकी है, दूसरी फोर्स यहाँ आने वाली है। जब मैंने वहाँ से लोकल थाने में कॉल किया, खजूरी थाने में पवन जी से बात हुई, उन्होंने कहा जी ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो दयालपुर थाने के पास है और मैं तो यहाँ सोनिया विहार में फंसा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग सड़कों पे इकट्ठे हैं, हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है।
लेकिन उसी बीच में मैंने देखा कि वहाँ पे दोबारा से बहुत सारी फोर्स आ चुकी थी जो वहाँ पे तैनात हो गई थी। बहरहाल सब शांत था, कोई दिक्कत नहीं थी। 25 तारीख की सुबह 8:30 बजे मैं वहाँ अपने मकान पे वापस गया, और इसलिए गया कि भाई अब सब ठीक है, रात गुजर चुकी है, सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया, पैरामीटर की फोर्स मौजूद थी, और उस तरफ से जहाँ पे जामन के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, उधर से होटिंग शुरू हो गई और उधर से जो गालियाँ स्टार्ट होने लगी, अब सब बोले जाने लगे। उनकी बातें देख के मैं वहाँ से वापस आ गया, बल्कि पैरामीटर फोर्स के जवान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जी आप यहाँ से अभी चले जाइए, जब यहाँ मामला शांत होगा उसके बाद ही आइएगा। मैं वहाँ से वापस आ गया, उसके बाद मैं अपने मकान की तरफ बिल्कुल नहीं गया। और 25 तारीख को लगभग 4 बजे के आसपास जो है वहाँ से अचानक से फोर्स फिर कम हो गई और वहाँ पे फिर लोग इकट्ठे होने लगे, हंगामा होने लगा। इसकी जानकारी जैसे मुझे मिली, मैंने तुरंत जॉइंट चीफ आलोक कुमार जी को फ़ोन किया, उनसे कहा सर यहाँ से फोर्स कम हो गई है, यहाँ से फोर्स मत हटाइए, क्योंकि यहाँ के दोनों तरफ के लोग अभी जो है अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए हैं और वो मेरे मकान को टारगेट बना रहे हैं, सर मेरी मदद कीजिए, मेरी हिफाजत कीजिए, रात भी आपने मेरी मदद की थी, रात भी आपने मेरी हिफाजत की थी। उन्होंने कहा ठीक है, फोर्स वहाँ से अगर हटी है तो मैं दोबारा भेजता हूँ। फिर मैंने लोकल थाने में बात की, लोकल थाने में SHO साहब का फ़ोन नहीं लगा, वहाँ पे हेड कांस्टेबल साहब थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा ताहिर भाई आप चिंता मत करो, होपलेस मत हो, वहाँ पे SHO साहब फोर्स के साथ खुद मौजूद हैं। तो मैंने कहा भाई अगर खुद मौजूद है, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं हूँ, फिर ये तो हंगामा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा भाई हंगामा तो बहुत जगह हो रहा है, बहुत रुकते रुकते हो गया, आप बिल्कुल चिंता ना करो, अभी सब शांत हो जाएगा। उसके बाद मैं उधर नहीं गया, क्योंकि मैं सिर्फ 25 तारीख और 24 तारीख की रात को 11:30 बजे जो हमारे जॉइंट CP आलोक कुमार जी थे और जो हमारे बहुत ही सीनियर अफसर हैं, पहले DCP रह चुके हैं हमारे यहाँ के AK सिंगला साहब, उनके मौजूदगी में ही मैंने अपने घर को छोड़ दिया था। उसके बाद मैं क्या वहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे सामान पहुँचा, कैसे दोबारा वहाँ भीड़ पहुँची, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम के लिए मैं काम करता आया हूँ, चाहे जागरण कराने का मामला हो, चाहे मंदिरों में CCTV कैमरे लगाने का मैटर हो, चाहे किसी भी मैटर में, मैंने हमेशा जो है मुस्लिम आबादी को छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में जाकर रहा, और मैं गाँव से लेकर यहाँ तक मेरा हिंदुओं से ही संपर्क रहा है, सारा मेरा बिजनेस सब मेरा हिंदू समाज के साथ है, यारी दोस्ती सब हिंदू समाज के साथ है, आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं है। हमेशा से मैंने जो है अपने हिंदू भाईचारे को ही आगे बढ़ाया है, और मेरे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे मैं ये महसूस कर सकें कि साहब कोई कट्टर मुसलमान है या कोई मामला है। ये जो दंगा हुआ है, चाहे वो बिहार में हुआ, चाहे चंदू नगर में हुआ, चाहे खजूरी एक्सटेंसिव ब्लॉक में, जहाँ जहाँ भी दंगे हुए हैं, सब जगह की दंगे की जितनी भी जो भी नुकसान हुआ है, वो सारे के सारे नुकसान से जो है ये सारी की बात जो है मेरे ऊपर डाल दी गई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ, और जैसे कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को भी इससे पहले हमेशा जेल भेजने का काम किया है, और दूसरी बात मेरा नाम ताहिर हुसैन है, तो शायद इसलिए मुझे जो है फंसाया जा रहा है। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सेकुलर लोग हैं, चाहे हिंदू हैं मुसलमान हैं, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, यकीन रखिए कि मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं खुद दंगाइयों से पीड़ित हुआ हूँ, मैंने खुद मदद मांगी है, यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे तमाम बहुत सारे जो सच में लोग थे जिनके जो राजनीतिक हैं, उनसे भी मैंने मदद मांगी थी, उनमें से हमारे बहुत ही सीनियर एक ने जो है DCP सूर्या जी हैं, कॉन्फ्रेंस में उनसे भी बात कराई थी 24 तारीख को लगभग 6:30 बजे के आसपास, उनसे भी मैंने मदद मांगी थी, और उनसे भी यही कहा सर यहाँ फोर्स भेज दीजिए। देखिए 24 तारीख को जो वहाँ पे भीड़ चढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उसको हमने कंट्रोल कर लिया था, उसको हमने वापस करने में कामयाब भी हो गए। आपने एक वीडियो और भी देखी होगी जो किसी और ने बनाई है, जिसमें मेरे हाथ में डंडा है, उस डंडे से मैं लोगों को नीचे उतार रहा हूँ, वहाँ से भगा रहा हूँ, और साइड में बगल में एक पार्किंग है जहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, भाजपा के नेता हैं मैक्सिंग जी, उनकी पार्किंग में किसी ने आग लगाई थी, उस पार्किंग की आग को बुझाने का भी हमने काम किया है, जो मेरे साथ में हमारे घर के लोग हैं वो उसमें पानी डाल रहे हैं, उसको बुझाया भी, उसमें कामयाब मिली, और मेरे दूसरी तरफ के पड़ोसी हैं जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने भी उसमें पानी डाला, उसको भी बुझाया। ये सारी घटना 24 तारीख की है, 24 तारीख में वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, रात को 11:30 बजे के आसपास में पूरी तलाशी ली गई थी, जब ऐसा कुछ नहीं पाया गया, और सुबह 25 तारीख को 8:30 बजे मैं गेट तक गया, वहाँ से वापस आ गया, उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, ना ही मेरा कोई आदमी गया है। इसके बाद वहाँ क्या हुआ है, कैसे वहाँ दोबारा से भीड़ पहुँची है, कैसे वहाँ सामान पहुँचा है, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है। इसकी जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ किसी भी बड़ी से बड़ी एजेंसी के थ्रू इसकी जाँच हो, बशर्ते वो ईमानदारी से और सच्चाई के साथ हो।
इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, ना मेरी जानकारी में है। मैं 24 तारीख की रात को ही अपने घर से बाहर निकल चुका हूँ, मकान से बाहर निकल चुका हूँ, बिल्डिंग से बाहर निकल चुका हूँ और ख़ुद पुलिस की मौजूदगी में निकला हूँ। और सबसे बड़ी गवाही पुलिस के आला अधिकारी ही इस बात के देंगे कि हाँ, ताहिर और ताहिर की फैमिली 24 तारीख की रात को वहाँ से मकान और बिल्डिंग से बाहर निकल चुकी थी। देखिए, मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। अभी तक जो मुझे लगता था कि मैं अपने वकीलों के थ्रू राय ले रहा था, उनसे वकीलों के थ्रू मैंने अदालत में अपनी ज़मानत याचिका लगाई थी, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि मुझ पर और कई सारे चार्ज लगा दिए गए हैं। तो ऐसा देख करके मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे अपने आप को अभी कानून के हवाले करना है। मैं सरेंडर करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे यकीन है कि मैं बहुत ही जल्दी जो है सारी सच्चाई लोगों के सामने आ पाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, न्यायिक जांच पे जो है पूरा यकीन है, बशर्ते सारी जाँचें ईमानदारी से हों। और मैं बार बार बस इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं खुद दंगे से पीड़ित हुआ हूँ, मैं खुद जो है अपनी जान बचा के, अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। इस बात की गवाही खुद हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे पाएंगे। बस मुझे किसी भी साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया ना जाए, मुझे कोई ऐसी दुर्भावना ना रखी जाए कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम ताहिर हुसैन है। जैसा कि मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि एक एहसान जाफरी था जो मर गया, मैं बच गया तो ताहिर हुसैन हूँ, बस इतना ही मुझे नज़र आता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।